उंगली का सही इस्तेमाल करें, सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में आपको बताऊंगा यार किस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन जो है वो पीसी में मिरर करा सकते हैं बिना किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर के, लाइक एयर सर्वर। और क्योंकि एयर सर्वर में क्या होता है कि ऑडियो नहीं आती है, उसे हमें परचेस करना पड़ता है ऑडियो पूरी लाने के लिए, और जो कि $20 के आसपास आता है। तो मैं आपको एक फ्री का तरीका बताऊंगा कैसे आप ऑडियो को भी कर सकते हैं और साथ साथ मिरर भी होगा और कोई डिले विले नहीं होगा इसमें, और आप उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं OBS की मदद से और साथ ही स्ट्रीम भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने दो सॉफ्टवेयर के लिंक दे रखे हैं आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। ये दो सॉफ्टवेयर के लिंक आपको आराम से मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी इन दोनों को क्या करना है, एक फोल्डर में डालो आप। तो फोल्डर को मैंने बना रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप मेरे नाम से। इन दोनों को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दो राइट क्लिक मार के। अगर आपके पास विंडो आ रहा है तो उससे आप इजीली से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे अब दो फोल्डर बन जाएंगे सेम। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये प्लेटफॉर्म टूल है इसको ओपन करना है और पूरा कॉपी कर लेना है। पूरा कॉपी कर लेंगे, अपनी सी ड्राइव में आना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है मिरर नाम से, या फिर कोई भी नाम से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिरर सबसे बेस्ट है। मिरर नाम से बना लिया, इसमें आपको वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, वापस वही फोल्डर में आना है जहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करी थी। अब ये जो SCRCPY वाला है इसे ओपन करके ये सारी फाइल कॉपी करनी है और वो फोल्डर जो हमने सी में बनाया था उसी में दोबारा से पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी रिप्लेस के आएंगे ये आपको सबको कॉपी एंड रिप्लेस कर देना। तो अब आप देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, ये हमारे सी में फोल्डर बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आपको सबसे पहले विंडो प्लस आर वाला बटन, तो रन आ जाता है। रन में आप एक यहाँ पे सी एम डी लिख के ओपन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो मेरी कमांड है वो जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही लिखना, वरना फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी लिखना है यहाँ पे CD ... ये जितनी भी कमांड्स है आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो वहाँ पूछ लेना वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दोबारा से लिखना CD ... अब लिखना है आपको CD स्पेस जो फोल्डर बनाया हमारा सी ड्राइव में, उसका नाम हमने मिरर रखा था, तो CD mirror। ठीक है, अब हम आ गए मिरर के अंदर। आप देख सकते हैं आपको लिखा आ रहा है सी मिरर अंदर। तो अब क्या करना है आपको, अब जो आपका स्मार्टफोन है उसे ओपन करना। आप ये देख सकते हैं मेरा स्मार्टफोन यहाँ पे है, यह है रेडमी नोट 7। तो इससे तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी जो USB डीबगिंग है उसे ऑन करना है। तो ये MI का फ़ोन है, बाकी आपको पता ही होगा कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाना, अबाउट फ़ोन पे जाके यहाँ पे MIUI वर्जन लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक मारते रहने हैं। ठीक है ना, तो मैं नीचे लिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। हाँ, तो मैं पहले से ही डेवलपर हूँ इसलिए आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते रहना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो आपको आपके डेवलपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। डेवलपर ऑप्शंस ऑन करके आपको नीचे जाना है, यहाँ पे एक जगह लिखा आएगा USB डीबगिंग, इसे आपको ऑफ हो गए आपका, इसे ऑन कर देना। ठीक है, अब ये स्टेप तो हमारा ख़त्म हो गया। आप क्या करना है आपको, अपना जो आपका ओरिजिनल डेटा केबल है मोबाइल के साथ जो मिलती है, क्योंकि बहुत सी डाटा केबल में USB थ्रेटनिंग और डीबगिंग नहीं आती, जो लोकल मिलती है, तो जो ओरिजिनल वाली है उसे कनेक्ट करना है PC से अपने। ठीक है ना, बहुत सिंपल स्टेप है। मेरे पे यहाँ पे इसकी सी टाइप है, मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ मोबाइल में। और इसे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है।
अब कमांड प्रॉम्प्ट में ही है आप। अब यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, ए डी बी डिवाइसेस, और एंटर मार देना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे डिवाइस का नंबर है, ये सक्सेसफुली आ गया, कनेक्ट हो गया मतलब, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको एस सी आर सी पी वाई लिख के आपको एंटर मार देना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है रेडमी नोट 7, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आ चुका है, इसका नाम लिखा हुआ, ये खुल गई। अभी क्या है आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन बंद है इसलिए ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो मैं मोबाइल ओपन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं आप, जैसा मैं कर रहा हूँ वहाँ भी वैसे ही हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। क्या हुआ, वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं सब वैसी है, बिल्कुल कोई लैग नहीं है, और कोई भी मतलब बिल्कुल कोई रैम यूसेज में भी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गई स्क्रीन की बात, तो अब आप ये बार बार नहीं करना है, तो अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे ये जो मिरर का ऐप है ये आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाएगा और आप उस पर सिर्फ डबल क्लिक मार के इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर जाना है सी में, और फिर से वो मिरर जो फोल्डर है, मिरर फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब हम एक बैच फाइल बनाएंगे, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और यहाँ पे एक कमांड लिखनी है आपको, कमांड है सी डी स्पेस सी, फिर मिरर की लोकेशन लेंगे हम इसे, मिरर एकदम सही लिखना मतलब केस सेंसिटिव है तो एम कैपिटल बनाना, मिरर, फिर एंटर मार के ए डी बी डिवाइसेस, एंटर मार के फिर एस सी आर सी पी वाई। अब क्या करना है, आप इसे फाइल में जाना, सेव एज करना है, ठीक है। सेव एज, अब आपको वापस यहाँ पे जाना है सी में, मिरर के अंदर ही सेव करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा है यहाँ पे इसे ऑल फाइल्स कर देना है। और हम ये बैच फाइल बना रहे हैं तो फाइल नेम जो है इसको चेंज करना है, यहाँ पे लिखना एस सी आर सी पी वाई डॉट बी ए टी, बी ए टी बैच फाइल का एक्सटेंशन, इसको सेव कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई होगी, ये आ गई बैच फाइल हमारी, आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्ट है ये बन गया, देख okay. ठीक है ना। तो अब इस पर आप जैसे ही मतलब क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट बनाएंगे, राइट क्लिक मार के क्रिएट अ शॉर्टकट, और ये जो शॉर्टकट है इसे आप कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मैं बताता हूँ दोबारा से स्क्रीन मिरर करने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको। देखो कि मैंने यूएसबी यहाँ से डिसकनेक्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, दोबारा से कंप्यूटर में यूएसबी लगानी है, और यहाँ से डबल क्लिक मारते ही आपका मोबाइल डायरेक्ट वहीं आ गया, देख सकते हैं आप, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात इसकी स्क्रीन मिरर की, अब ऑडियो कैसे करेंगे मेरा, तो दो टाइप में मैं यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसे, तो एक है विंडो 7 वालों के लिए, एक है विंडो 10 वालों के लिए। विंडो 10 और विंडो 8 दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो 7 वालों का देखते हैं पहले हम। तो यार लाइट चली गई थी यार, तो मैं दोबारा आ गया हूँ यार। तो अभी तक हमने यहाँ पे किया था स्क्रीन करने का, मतलब स्क्रीन को मिरर करने का। तो सिंपली आपको अब कुछ भी नहीं करना है, यूएसबी से कनेक्ट करना है, और ये जो आपकी डाटा केबल है उससे अपने मोबाइल पर लगा देना है, और वही जो हमने ऐप का शॉर्टकट बनाया था डेस्कटॉप पे वो डायरेक्टली मार देना, और आप देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है आपको जो मिरर, ठीक है ना। ये तो सिंपल हो गई थी, अब हम बात कर रहे थे ऑडियो की, ठीक है ना। तो अभी मोबाइल की स्क्रीन तो आप मेरी यहीं पर देख सकते हैं। तो ऑडियो क्या करना था,
सबसे पहले अपना मोबाइल जो है उसका ब्लूटूथ ऑन करना था, ठीक है। मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब इसके बाद जैसे मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो ब्लूटूथ आता है पहले से, लेकिन जो कंप्यूटर डिवाइस होता है मतलब जैसे पीसी, तो उसमें आपको वाईफाई या ब्लूटूथ का जो यूएसबी टाइप रिसीवर आता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब वो सबके पास होता ही है। तो यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ आ रखा है यहाँ पे। अब मेरे को जाना है एडा डिवाइस पे सबसे पहले, ठीक है। अब मैं एडा डिवाइस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा ये जो रेडमी का फ़ोन है शो हो रहा है, तो बस क्लिक करना है और नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी खोल लेते हैं ब्लूटूथ, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया पेयर एंड कनेक्ट का। तो पेयरिंग कोड ये है लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो इसे नो कर देंगे, नेक्स्ट ऊपर ट्राई अगेन करते हैं, मुझसे गड़बड़ हो गई। ये देखिए आप मोबाइल पे भी आ गया मेरे पीसी, तो यहीं पे डायरेक्ट क्लिक मार देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया, दोनों को पेयर कर देंगे। ये सारे जो ड्राइवर एक करके इंस्टॉल करेगा ही, देख रहे हैं सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, तब वेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल सारे ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। अब क्या करना है आपको, राइट क्लिक मारना है, ये तो ओपन हो जाएगा उसके बाद, लेकिन बाद में कैसे करना है तो देखो, राइट क्लिक मारना है, शो ब्लूटूथ डिवाइसेस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके लैपटॉप से या फिर पीसी से जितने ब्लूटूथ कनेक्ट है सबके नाम है, तो मेरा रेडमी वाला था, इस पर राइट क्लिक मारना है आपको, एडवांस ऑपरेशन, यहाँ पे कनेक्ट टू स्टीरियो ऑडियो सोर्स डिवाइस, इस पर क्लिक कर, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करेंगे, या फिर आप एडवांस ऑपरेशन या कनेक्ट टू ऑपरेशन विंडो, ठीक है, ये वही विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है पीसी स्पीकर टू लिसनिंग स्टीरियो ऑडियो प्लेइंग ऑन रिमोट डिवाइस पे कनेक्ट करा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे। ये कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी आप प्ले करना है इसमें, जैसे मैं कोई गाना चला देता हूँ, इसे ही गाना है, ठीक है। ये मेरे मोबाइल के स्पीकर से नहीं आ रहा है, ये लैपटॉप के स्पीकर से चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब OBS खोल लेता हूँ, मैं OBS की डेस्कटॉप ऑडियो देखना, ठीक है, देख सकते हैं आप माइक तो मैंने बंद ही कर रखा है OBS का। तो अब ऐसा नहीं है कि ये गाने गाने चलाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई गेम भी चला सकते हैं आप, जैसे नहीं क्लैश ऑफ क्लैन भाई, क्लैश रॉयल, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लैश रॉयल मैंने इसमें खोला है और वहाँ भी आवाज़ आई, देख सकते हैं इसके डेस्कटॉप ऑडियो में, और कहाँ गया वो, ये रहा। इसे क्लोज मत कीजिएगा, ये जो विंडो है एक्चुअल में, तो इसे नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे क्लैश रॉयल खोला है और इसी की आवाज़ आ रही है डेस्कटॉप ऑडियो में, ये कोई मेरे मोबाइल के स्पीकर से नहीं आ रही, लैपटॉप के स्पीकर से, ठीक है। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ऐड पे जाना, OBS से अगर रिकॉर्ड करना है तो ऐड विंडो कैप्चर, ओके, और विंडो ये रेडमी नोट 7, ठीक, ओके। अब जब विंडो यहाँ पे आएगी तो ये कैप्चर कर लेगा उसे, स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं हम यहाँ पे इसकी, ये देख सकते हैं आ गया ये विंडो कैप्चर में OBS में। अब आप ना स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सब बातें आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तभी करेगा विंडो कैप्चर में जब इस ये जो विंडो ये एक्टिव होगी, ठीक है ना, इस पर जब क्लिक होगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई विंडो 7 की, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो 10 की, तो यार विंडो 10 में मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उसमें ऐसा ब्लूटूथ वाला कनेक्शन नहीं है,
उसमें ऑक्स केबल से करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ये मैं पबजी अपने रेडमी नोट 7 में खेल रहा हूँ। इसकी साउंड मेरे को यहाँ पे OBS से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो में। जो माइक है तो मेरे लैपटॉप का इनबिल्ट है, लेकिन जो डेस्कटॉप ऑडियो आ रही है वो देख सकते हैं। जब मैं गन फायर करूँगा आप तब देखना। उसकी आवाज़ देखना, आप देख सकते हैं। इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने, अगर आपको कोई मोन्टाज बनाना है, और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करें। एक बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ 64 बिट के PC या फिर लैपटॉप के लिए अवेलेबल है, तो आप उसी में यूज़ कीजिएगा। 32 बिट के लिए नहीं है ये। तो जितना मैंने बताया ये आपका अगर हो गया तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार। एम रखते हैं 50 लाइक का, पिछली बार 100 का रखा था, तुमने 1000 पार करवा दिया, तो इस बार 50 का रखा है, करवा देना यार। और इसमें कोई लैग या डिले विले नहीं है, देख सकते हैं आप, एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आपका जो PC और मोबाइल है दोनों ये सही होने चाहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी कमांड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the